भैया अपने एकदम इनका मकान बनाने का काम भी करे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दरवेश जी, वही बात, अगर कमियां देखते तो वो कमियां देखने में रह जाते। बिल्कुल, कमियां तो पहले भी थी सर, अगर आगे भी होगी उससे भी फाइट करेंगे। पिछली बार खबर बनाए थे आपने, कहा था जी आपका अकाउंट नंबर दे दो आप, फिर ना जी भर उसमें लाल थक जाएगा जी किसी बल्ले वाले। ये देखो, देखिए ये मान होता है तो डाइट ड्यूटी मिल जाती है, डाइट नहीं मिल पाती। बेटा तू खेलना चाहे ना, तेरे लिए कोई डाइट का वगैरह बता देना, वो तेरा करवा दे। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल फिर खड़े हाँ, दनोदा गांव का वही एक गरीब परिवार जिसमें एक परिवार में 10 बहने हैं और ने तो ये फिलहाल मैं नीट क्रैक किया है और आज यहां पर नरवाना से दरवेश पुनिया पहुंचे हैं 51,000 रुपये की राशि लेकर। बहुत बड़ी रकम हो जाती 51,000 रुपये और एक कूलर, इन जो 10 बहने हैं इनको लेकर। दसों की 10 बहने एक कमरा में रहो है, वो मैं उन्हें पहला भी दिखा था, अगर दोबारा अपने फिर दिखाने की कोशिश करांगे। दसों की 10 बहने सिर्फ एक कमरा में रहो है, फिलहाल अपना सामना दिखन भी लग रहा है, एक कमरा है और बाकी आप इनका मकान जो कच्चा हाल देखने भी लग रहे हैं। बार बार इनकी लगातार सहायता होने लग रही है, लेकिन असली फर्ज तो यह बना है भाई, फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, जो भी इलेक्शन में टिकट क्या हकदार है उनकी भी आके ऐसे गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए, कोई ना कोई आएगा, क्योंकि इन्हें हालत बहुत। किस प्रकार एक मजदूर पिता ने 10 बहनों को पढ़ाया होगा आप सोच भी सको भाई, 10 बहनों को तो खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन उसने 10 अपनी बेटियों को पढ़ाया है। फिलहाल मौका पर दरवेश पुनिया पहुंचे हैं 51,000 रुपए की राशि लेकर एक कूलर, बाकी पूरी जानकारी लेवांगे। फिलहाल देख सको आप अंदर दरवेश पुनिया जी पहुंच चुके हैं, उनके पास में चलते हैं। ये वो लड़की सर, और वो लड़की एक ठीक है। आ जाओ सारी खड़ी होने त्रेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से गरीब बेटियों की आप सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि समाज के अंदर वैसे भी नरवाना के अंदर आपका नाम है दानपुन में, तो आज सर कैसे पहुंचे और क्या आपके मन में आया कि इन बेटियों की सहायता की जाए? धन्यवाद तो नहीं कह सकते, इसको अपना फर्ज है, ये तो अपना परिवार है और बेटियों ने अपना नरवाना का पूरे हरियाणा का दनोदा गांव का मान बताया, इसमें हमारा भी मान सम्मान है और इसमें बड़ी खुशी और गर्व की बात है, ये मीटिया तो इसमें बड़ा हमारा भी कद कहीं ना कहीं बड़ा है और ऐसी बच्चियाँ 10 की 10 इंटेलिजेंट और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो सुमित को बधाई देता हूँ और मेरी तरफ से मैंने 51,000 रुपये की सहायता राशि बच्चों को दी है और आगे भी जिस प्रकार की इनको कोई कमी है किसी भी तरह की बुक्स में और कहीं इनकी कोचिंग में, तो मेरा सहयोग इनको बनता रहेगा। मैंने इनको नंबर भी अपना दे दिया और अपने परिवार की तरह इनका सहयोग करते रहेंगे। दरवेश जी, अगर बात करें राजनीति के क्षेत्र में लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन आपका इस राजनीतिक क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवी के नाम से आप जाने जाते हो, तो इसके बारे में आपका कुछ कहें? मैं वही कहने वाला था, मेरा तो यहाँ पे कोई हल्का भी रिजर्व है, मेरा कोई चुनावी में कोई किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो चुनाव वालों से भी राजनीतिक वालों से भी खासकर अपने नरवाना MLA से भी, वो भी एक समाज सेवी से ही राजनीति में आए थे, तो ऐसे ऐसे परिवारों की सहायता करें और सरकार से भी कहना चाहूँगा इससे बढ़ के सहायता क्या करोगे, जो ऐसा परिवार को जरूरत है। इनका घर है सामने, एक कमरे में इतना बड़ा परिवार रहता है तो गर्मी सर्दी लाइट भी नहीं और फिर भी बच्चों ने ऐसा UPSC भी क्रैक कर दे, कल को आज नीट क्रैक किया इन बच्चों ने, अगर 95 एक गुड़िया के, अगर इनको थोड़ी सी सहायता अच्छी थोड़ी सी फैसिलिटी मिल गई तो ये एक ना एक दिन इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और हमारे एरिया के लिए बड़ी शान की बात होगी। तो मेरी तो सरकार से भी अपील है और राजनीतिक जो लोग हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, जो काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि भाई आप लालच में तो अपने स्वार्थ में तो जगह जगह जाते हो, पैसे देते हो, तो निस्वार्थ होकर भी कहीं ना कहीं आपका तो चलो स्वार्थ भी है, वोट बैंक भी बढ़ेगा, तो ऐसे बच्चों की मदद करोगे तो इससे ऊपर मदद क्या होगी। त्रिवेश जी, आपको नहीं लगता
कि जो व्यक्ति इस धरती पर आया है वो पैसे जरूर कमाता है लेकिन उसके साथ जाता धन नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, पैसा वो उसके पास जा सकता है लेकिन इस तरह से अगर दान पुण्य किया जाए, जो जरूरतमंद बेटियां हैं उनका सहयोग किया जाए, कहीं ना कहीं वो दान का जो कहते हैं भरपाई है वो जा सकती है किसी न किसी व्यक्ति के साथ। देखो अपना पेट तो जानवर भी भर के सोता है, तो इंसानियत का थोड़ी इंसान जिसके पास कुछ है मदद करने के लिए तो उसने ऐसे परिवारों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और पैसा तो पता नहीं किसके साथ कितना है, क्या जाएगा साथ तो कुछ नहीं जाना। तो ऐसे बच्चे अब हो सकता है हमारी थोड़ी सी हेल्प से और ये बैठ करके दिखाएं। अभी हमारा भी फर्ज बनता है इंसानियत के नाते पे, हम भी हमारे समाज में जो ऊपर नीचे हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये भी तो अपने बच्चे हैं, कल को ये भी ये करेंगे कि हमें थोड़ी सी फैसिलिटी मिली और उसका हमने बैठ करके दिखाया। आज तक तो इनको कोई हेल्प नहीं थी, बिल्कुल आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, तो आगे तो और भी बढ़ के ये काम करेंगे। तो हमारा समाज के नाते फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों में सहायता करो। और मैं तो धनौदा गांव के मौजूद व्यक्तियों से भी अपील करता हूँ, इतना बड़ा गांव है, इनका घर बनवाने का काम करें। बिल्कुल सरकार से भी बात अपील करते हैं और MLA साहब से भी, और दो चार महीने के बाद ज़्यादा बड़ी बात तो हम करते नहीं, अगर कोई हेल्प नहीं हुई तो हम इनका मकान बनाने का काम भी करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। द्रवेश जी, इन लड़कियों का हौसला देखने के बाद जिनको ये लगता है कि लड़की बोझ है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, लड़की कोई बोझ नहीं है, मेरे भी खुद तीन बेटियां हैं, वो भी पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल है, हमें तो घर में चांद सा खिल जाता है जब हम घर जाते हैं तो। और मैंने तो इनकी 22 तारीख को वीडियो देखी थी, फिर कल वाप वाली देखी, तो मैं एक वीक से बाहर था, वो आने की सोच रहा था, मैं कल ही आया था शाम को ही, फिर मैंने तेरे से कॉन्टेक्ट करके मगे चलो चलते। और ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तो हर आदमी को आगे आना चाहिए। तो जैसे लड़कियां 10 है ये घर में, और ऐसा कोई काम धंधा भी नहीं है जिससे लगे हुए कुछ काम चले, फिर भी अपना रोजगार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर भी इतना वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, सर क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है? मतलब क्या लगता है कि मतलब हर बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता, 10 की 10 बेटियां ऐसी? तो एक गॉड गिफ्टेड बच्चे है और एक मजदूर अपने बच्चों को 10 बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकता, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ा सकते 10-10 बच्चों को, तो 2 बच्चे भी बड़े आज के टाइम में पढ़ने और पढ़ाने बड़ी मुश्किल बात है, उनके लिए भी लोग लोन वगैरह लेते हैं जब तक जाके उनका काम चलता है। और ऐसे ही घर में रह के ऐसे मुकाम हासिल करना, मैं तो उनको एक भगवान का गिफ्ट ही मानता हूँ और हमारे सौभाग्य की बात है हमारे एरिया में ऐसे बच्चे हैं। बिल्कुल, और गर्मी है तो इनके लिए मैं कूलर और भिजवाऊँगा। क्या बात है मंदीप जी, क्या कहना आपके गांव की बेटी ने? वैसे तो गांव पहले से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बिना नकाब के लिए कहें अगर, या फिर मेडलों की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की 10 बेटियां हैं कि परिवार में गरीब परिवार है, तो उन्होंने एक नीट का एग्जाम और एक 10वीं क्लास, बाकी सभी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है भाई जितनी भी है सारी पढ़ी अच्छी पढ़ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि गांव का भी योगदान होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है और पूरे गाँव का और पूरे एरिए का नाम रोशन किया है। ऐसी ऐसी बेटियाँ बहुत ही गरीबी के अंदर जो परिवार होते हैं देखने को हमें मिलता है, तो ये परिवार है जो एक शुरू से ही हमारा इनके साथ आना जाना है, पारिवारिक रिलेशन है इनके साथ हमारा, तो मैं इनको बचपन से जानता हूँ। और जो 10 बेटियाँ हैं ये, इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, इन्होंने गरीबी देखी है क्या चीज़ है, इन्होंने गरीबी को भाप कर दिन रात मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। और तो गाँव वाले से भी मैं कहना चाहता हूँ जितने गाँव के इनको लड़कियों सम्मानित किया जाए, इनकी आर्थिक मदद भी की जाए, और जहाँ पर सरकार की बात है बेटी बताओ बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत। और मैं जितने हमारे हल्के से जो भी है राजनीतिक लोग हैं चुनावी लड़ना चाहते हैं जो अपने समाज से भी कहलाते हैं, उन सभी से अपील करना चाहते हैं कि इस परिवार की मदद की जाए जितनी भी हो सके, और हम इनकी जितनी भी मदद हो सकती सब करने लग रहे हैं। जैसे द्रवेश जी है, अपनी पूरी टीम है, ये समाज सेवी है, सब ये पूरे दिल और लगन से समाज सेवा करते। मैं द्रवेश जियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ इन्होंने ये आज यहाँ पर आकर सहयोग राशि दी। मंदीप जी, एक बड़ी बात है, जैसे सरकारी जो स्कीमें होती है गरीबों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन ऐसे ऐसे लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता, और दूसरे लोग जो चाहे अगर बात करें अमीर लोग हैं उनको ये लाभ मिल जाता है, तो ऐसे में क्या बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को वो लाभ है मिलना चाहिए स्कीमों का?
सरकार की जो स्कीमें आती हैं, सरकार की नीत नहीं होती कि इन गरीब लोगों को वो स्कीम का फायदा दिया जाए। वो पहले क्या क्राइटेरिया निर्धारित कर देती है, तो सरकारी नौकरी हो या कोई सरकारी गवाह मिले। अगर इतनी सरकारी नौकरी हो और इनके पास सरकारी लोगों की जान पहचान हो, तो इनको लोन लेने की कोई जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, सरकार नहीं चाहती गरीबों को कोई आर्थिक सहयोग मिले, भाई सरकार की तरफ से कोई सुविधाओं का लाभ मिले। बिल्कुल, तो यही कारण है ये वंचित रह जाते हैं उन सुविधाओं से। धन्यवाद। तो बुढ़िया क्या कुछ कहना चाहेगी, जैसे दरवेश जी ने आपको 51,000 रुपए एक कूलर भी दिया है कि आपकी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से चलती रहे, और आपने आज इस जो मुकाम हासिल कहीं ना कहीं, और बड़ा जो आपके दिमाग में ड्रीम है वो भी आप क्रैक करें, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपका सहयोग करते हैं, तो उनको किस प्रकार से आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर का धन्यवाद कि वो आए, और ये नाम जानते हैं इनका? हाँ, ये दिखा द्रवेश पुनिया से, और इन्होंने जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू। बाकी इनका इतना बड़ा दिल है जो अपने आप आए। बिल्कुल, जिन्होंने भी आप पहले हेल्प की थी उनको बहुत सारा थैंक यू। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब जैसे पहले कुछ कमियां रही होगी, मतलब सोचते हो भाई ये चीज की कमी है और जो चीज आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, लेकिन अब क्या लगता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग समाज सेवी न आपका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बाधाएं आपकी दूर होगी? सर वही बात, अगर कमियां देखते तो वो कमियां देखने में रह जाते। बिल्कुल, कमियां तो पहले भी थी सर, अगर आगे भी होगी उससे भी फाइट करेंगे। बाकी सर अगर कोई जैसे सर है इन्होंने हेल्प की तो इतना मतलब आज जी आप नमस्कार जी सर, ये आपकी बेटी है सारी। सर इतना 10 बेटियों की पढ़ाई का खर्च कैसे होगा, तो क्या मतलब दाड़ी दूड़ी करे? अच्छा, कहीं किसी पे लेते नहीं जी? मतलब ना जी, आप पिछली बार खबर मनाए थे, आपने कहा था जी आपको अकाउंट नंबर दे दो आप, फिर ना जी फिर उसमें लालच थक जाएगा जी किसी बल्ले वाले। ये देखो, देखिए ये मान होता है भाई, देखो एक मतलब लोग कहीं भी जाते हैं तो ऐसे कहते हैं जी गूगल पे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया बिलालिस था, लेकिन ये तो भी तो है आपकी बेटियों का जो है परवरिश अच्छी सी है, एजुकेशन है वो पूरी अच्छी तरह से उसका है, तो आप नहीं चाहते कि लोग सहयोग करें? सोक तो जी न्यू है उसमें न्यू कार्ड लाग जाएगा लाभ से बढ़ गया। अच्छा, न्यू इन पे ले लिया उधार दूर है। अच्छा जी, चलता रहो जी काम। चलो, और भी बेटियां हैं, उनको कैसे धन्यवाद करोगे आप? और मतलब ऐसे सहयोग करने वाले अगर समाज में आगे बढ़ के आए तो हमारे जैसे बहुत सारे प्रतिभावान छात्र बहुत आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या किया हुआ है? मैंने सर एमए बीएड की है, एमए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल पर। देखो सर कितने कितने और भी बच्चे इधर आ जाते हैं। तूने क्या किया हुआ है सर? अभी प्लस टू ही है सर, और नेशनल में अभी दिल्ली हुई थी सर गोल्ड में, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन। अच्छा, तो डाइट डूट मिल जाती है? नहीं, डाइट नहीं मिल पाती। बेटा तू खेलना चाहे ना, तेरे लिए कोई डाइट का वगैरह बता देना, वो तेरा करवा देंगे। और बाकी वो दसवीं वाली आ जा, आ जा गुड़िया। तो कितने परसेंट तेरे नंबर आए थे? 95.8। 95। तो लाइट भी चली जाती थी एग्जाम के समय में, हैं? तो फिर कैसे करते थे पढ़ाई? पढ़ाई जल्दी सुबह जल्दी उठते। अच्छा, कितने बजे उठते थे? तीन बजे। तो भाई देखो, बहुत बड़ी बात है, और आपको पता है कि समाज के अंदर दानी पुरुष है बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर दरवेश पुनिया की बात करें, नरवाना क्षेत्र में सबसे पहला स्थान इनका आता है दानपुन में, और आज भी 51,000 रुपए और एक कूलर इनको गिफ्ट कह सकते हैं, दान सहयोग किया है ताकि ये जो बेटियां हैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके, और आगे भी चाहते हैं कि इनका मकान बनाने में सहयोग करें, और भी जो नरवाना के जो भी दानी पुरुष सज्जन है वो भी इस मुहिम में आगे आए और इन बेटियों का सहयोग करें। ऐसी ऐसी और भी बहुत सी बेटियां हैं, इनको देखकर उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा, वो भी अपना मुकाम हासिल करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब जाती है गरीबी के कारण, लेकिन आज एक ये मिसाल बनी है उन गरीब बेटियों के लिए जो आगे बढ़ नहीं पाती, और इनका श्रेय जाता है दरवेश पुनिया जैसे लोगों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा सहयोग दिया।